मई 2009 में राजनांदगांव के मदनबाड़ा में नक्सली हमले की जांच के लिए सरकार ने जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव की अध्यक्षता में नया एक जांच आयोग का गठन किया है। बता दें राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे और उनकी टीम पर नक्सलियों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला किया था और इस हमले में एसपी चौबे समेत 29 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। शहीद चौबे को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और इस घटना के बाद सूचना तंत्र और एसपी को बगैर पर्याप्त सुरक्षा और तथाकथित परिस्थिति बताकर जेल माफ कीजिएगा तथाकथित परिस्थिति बताकर भेजे जाने को लेकर सवाल भी तमाम खड़े हुए थे। घटना की एफआईआर मानपुर थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन राजनांदगांव में पदस्थ रहे तत्कालीन आईजी मुकेश गुप्ता और इंटेलिजेंस की भूमिका को लेकर सवाल खड़े होते रहे। मदनवाड़ा में राजनांदगांव के एसपी वीके चौबे सहित 29 पुलिस के लोगों की शहादत हुई थी। इस मामले में मानपुर थाने में एफआईआर भी हुई थी। लगातार जांच को बाधित किया जाता रहा और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इस मामले में जो जांच का फैसला लिया है उसका कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। झीरम हो या मदनवाड़ा, भाजपा को जांच से क्यों तकलीफ होती?